दोस्तों, आज हम राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1969 ईस्वी में। इसका दूसरा क्वेश्चन भी बनता, ISRC की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च कॉरपोरेशन, ये पहले बना था, ये छोटा अनुसंधान था, ये बड़ा था, तो ISRC की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? सभी को पता होगा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। उनसे जब पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा। तो एक चीज़ है भी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रसिद्ध नवोदय विद्यालय का शुभारंभ किसने किया? तो नवोदय विद्यालय का शुभारंभ माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया, जिनके नाम पर यह परीक्षा हो रही। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, थोड़ा बहुत एटॉमिक रिएक्टर से, एटॉमिक मॉडल से, एटॉमिक चीज़ों से, परमाणु से जुड़े क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आंसर है आर्यभट्ट, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। क्वेश्चन नंबर सेवन, पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में किया था। क्वेश्चन नंबर एट, प्रथम परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है? तो इसका आंसर है अप्सरा। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? इसका आंसर है INS कावेरी। क्वेश्चन नंबर टेन, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी क्या है? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? कजरी, लोकगीत का एक फॉर्म होता है कजरी, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, आप सब लोग इस नाम से वाकिफ होंगे। लेकिन एक बात बताऊं, जब इनका प्लेन लौट रहा था कुछ ही समय पहले, 6 सेकंड बाकी थे धरती पर लैंड होने को, प्लेन क्रैश हो गया, इनकी डेथ हो गई, लेकिन पहली भारतीय महिला कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम मध्यम दूरी की मिसाइल कौन है? अग्नि, इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तैयार किया था, अग्नि मिसाइल, और उनकी एक किताब भी है अग्नि के नाम से, तो उसको पढ़िएगा जरूर अगर कभी मौका मिले। क्वेश्चन नंबर 14, राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 15, HAL की स्थापना कब हुई? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है एरोप्लेन वगैरह का जो निर्माण करती है, HAL की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, DRDO की स्थापना कब हुई? 1988। क्वेश्चन नंबर 17, CDAC की स्थापना कब हुई? 1988। ये दोनों राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुए थे। CDAC की स्थापना 1988 में हुई, इसी के बाद भारत ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया, परम कंप्यूटर, अपना स्वयं का कंप्यूटर बनाया 1988 में। क्वेश्चन नंबर 18, MTNL की स्थापना कब हुई, जिसको हम लोग बोलते BSNL दूर संचार सेवा, तो MTNL की स्थापना 18 मई 1974 ईस्वी को हुई। क्वेश्चन नंबर 19, सभी लोग जानते हैं, पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे, एज अ टीचर मैंने सोचा एक क्वेश्चन ऐसा भी रख दें, बहुत ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। एंड आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे तुरंत आपको अपडेट मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 20, RBI की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना हुई।
हम रोज आपको वीडियो देंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, सुबह 10 बजे आपको प्रतिदिन वीडियो मिल जाएंगे, आप इन्हीं वीडियो को देख लीजिए, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।